आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी, जो एकदम चटपटा और टेस्टी ये ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए जो बैटर है वो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ हम बनाएंगे। टेस्टी और चटपटा आलू के मसाले के साथ ब्रेड पकोड़ा को हम रेगुलर स्टाइल से ही बनाएंगे। ये ब्रेड पकोड़ा दिखने में एकदम सिंपल है और इसे बनाना भी एकदम आसान है। तो चलिए आज की सुपर टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं, ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एकदम चटपटा और मसालेदार ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में हम 2 कप जितना बेसन लेंगे। मैंने यहाँ बेसन घर का पिसा हुआ ही लिया है, आप चाहो तो पैकेट वाला बेसन भी ले सकते हो। अब स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1 चुटकी हींग। अब चने का आटा है तो उसके साथ जाएगा 1/4 टीस्पून जितना अजवाइन, ताकि चने का आटा है वो डाइजेस्ट होने में आसानी रहे। और इन सारी चीज़ों को हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और वैसे भी अजवाइन का टेस्ट पकोड़े में बहुत ही अच्छा लगता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेते हैं। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है और अच्छे से बैटर हमें बना लेना है। तो लीजिए, हमारा ये स्मूथ बैटर बनकर रेडी हो गया है। अब चम्मच या फिर विस्कर की मदद से 2 से 3 मिनट तक इसे हम इस तरह से कंटिन्यू चलाते जाएंगे, ताकि हवा के जो कण है वो बैटर में आएंगे और हमारा बैटर एकदम फ्लफी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि बैटर इस तरह से चम्मच में एक ही धार से गिर रहा है और रिबन जैसा हो रहा है। तो ये बैटर हमारा बनकर रेडी है और आप ये देखिए, चम्मच में भी इस तरह से कोट हो जाता है। दैट मीन्स कि हमारा बैटर एकदम परफेक्ट है। तो इस तरह का बैटर लगाने में मुझे 1 कप में थोड़ा सा पानी बचा है, उतना पानी मुझे लगा है। अब बैटर को हम कवर कर लेते हैं और कम से कम 15 से 20 मिनट तक का रेस्ट दे देते हैं। तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। मीडियम गैस की फ्लेम पर तड़का पैन रखेंगे और उसमें हम 2 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे। तेल गर्म होते ही हम उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना जीरा, जीरा चटकते ही 2 बारीक चौपकी हुई हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून जितना कद्दूकस किया हुआ अदरक ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से सौते कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हल्के से सौते होने के बाद हम ऐड करेंगे 1 पिंच जितनी हींग और अच्छे से मिला लेते हैं। मैंने हींग को बाद में ही ऐड किया है ताकि वो जले नहीं। अब 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर, 1 चुटकी जितनी काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और इन सारे मसाले को हम अच्छी तरह से तड़के में मिक्स कर लेते हैं। अब ये सारे मसाले जले नहीं, इसके लिए हम 1 टीस्पून जितना पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये स्पेशल तड़का हमारा बनकर रेडी है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए आलू लिए हैं और उसे ठंडा होने के बाद उसे मैंने हाथों से मैश कर लिया है। अब आलू के साथ मैंने यहाँ स्वाद अनुसार नमक भी ऐड किया है, मगर वो शूट नहीं हुआ है, तो स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। और हमने जो स्पेशल तड़का तैयार करके रखा था वो सारा हम इस आलू में ऐड कर लेते हैं। अब थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और चम्मच की मदद से या फिर हाथों की मदद से अच्छी तरह से हम आलू में ये मसाला मिक्स कर लेते हैं। अब लास्ट में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना नींबू का रस और फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर खट्टा और तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। तो ये चटपटा हमारा आलू का स्टफिंग बनकर रेडी है। अब हमने जो बैटर बनाया है वो चेक कर लेते हैं। तो बैटर हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब एक बार इसे हम अच्छे से चला लेते हैं। ये देखिए, अब 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। अगर आपके पास बेकिंग सोडा ना हो तो आप इनो का भी यूज़ कर सकते हो। और उसी के साथ हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जितना गरम तेल। गरम तेल डालने से बैटर एकदम स्मूथ होता है और पकोड़ा है वो एकदम बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो आप देख सकते हो कि बैटर हमारा एकदम रेडी है। अब मैंने यहाँ पर 2 ब्रेड की स्लाइस ली है, जिसकी मैंने किनारी को कट करके निकाल लिया है। आप चाहो तो किनारी को कट किए बिना भी ये पकोड़ा बना सकते हो।
अब ब्रेड की एक स्लाइस पर हम लगाएंगे हरी चटनी। आपको ये हरी चटनी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मैं आपके साथ ये हरी चटनी की रेसिपी ज़रूर से शेयर करूँगी। अब दूसरी ब्रेड की स्लाइस पर हम लगाएंगे बच्चों का फेवरेट टमाटो केचप। आप चाहो तो खट्टी मीठी इमली की चटनी भी इस पर लगा सकते हो। अब हमने जिस ब्रेड पर हरी चटनी लगाई है उसी ब्रेड पर हम आलू का चटपटा ये स्टफिंग लगाएंगे। ये स्टफिंग आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा लगा सकते हो। अब ये केचप वाली ब्रेड है उसको हम आलू के स्टफिंग वाली ब्रेड पर इस तरह से रख देंगे और हल्के हाथों से हम इसे प्रेस कर लेते हैं। अब इसे हम इस तरह से कट कर लेते हैं। बाहर जो ब्रेड पकौड़ा मिलता है उसे पहले पूरा फ्राई कर लेते हैं, बाद में इसे कट करते हैं, मगर ये हम घर पर बना रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाई भी नहीं होती, इसलिए हम इस तरह से कट करके ही उसे फ्राई करेंगे। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर पहले से ही मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था और हमने जो बैटर बना के रखा था उसमें हम ये स्टफिंग वाली ब्रेड को लेंगे और सबसे पहले तीनों साइड की बॉर्डर को हम इस तरह से बैटर में डिप करेंगे, बाद में दोनों साइड को हम बैटर में इस तरह से डिप करेंगे और लास्ट में हम एक्स्ट्रा बैटर है वो इस तरह से निकाल देंगे। हल्का सा निकाल लेना है और गर्म गर्म तेल में हमें ये पकौड़ा ऐड करना है। तो मैंने ये दो ब्रेड पकौड़ा तेल में ऐड किए हैं और गरम तेल में ऐड करने के बाद हम इस तरह से पकौड़े पर गरम गरम तेल डालते जाएंगे और इसे हम फ्राई करते जाएंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पर ही रखनी है और बिल्कुल आराम आराम से ये ब्रेड पकौड़ा हमें है पलटाते जाना है और हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आए तब तक ब्रेड पकौड़ा को हमें फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि पकोड़ा हमारा फ्राई होकर रेडी हो गया है। अब इसे हम एक टिश्यू पेपर या फिर वायर रेक पर निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो गर्मा गर्म ये ब्रेड पकोड़ा हमारे बनकर रेडी है ना, एकदम हलवाई की दुकान जैसे ये ब्रेड पकोड़ा। मैं आपको एक पीस कट करके बताती हूँ, बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट और चटाकेदार ब्रेड पकौड़ा बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इसे हरी चटनी, टोमेटो केचप या फिर खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। तो बारिश के मौसम में अगर आपको कुछ चटपटा और मसालेदार खाने का मन हो तो आप ये ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। एकदम सिंपल सी और आसान सी रेसिपी है ये। तो आपको आज की आसान सी और सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।